और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार खुशी के लिए डरते और डरे समय नज़र आ रहे हैं इस समय रणवीर और प्राची, क्योंकि जब से डॉक्टर ने बोला है कि आखिरकार कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर टेंशन में हैं और टेंशन की वजह भी आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि टेंशन की एक वजह नहीं है बल्कि इस समय कई वजह सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए दिलचस्प नज़ारा और दिलचस्प ट्विस्ट दोनों ही पेश करने वाली हैं। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए प्राची की, तो प्राची से इस समय शादी करने के लिए कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आखिरकार अक्षय का मानना यह है कि प्राची जल्द से जल्द मेरे से शादी कर ले तो वो ही ठीक होगा। लेकिन दोस्तों इधर प्राची किसी भी तरीका से शादी करने के मूड में भी नहीं है। प्राची का मानना यह है कि अभी हमारी शादी के लिए किसी भी तरीका से हम ठीक नहीं हैं, और प्राची का खुद का भी यही सोचना है, और वाकई में दोस्तों उसका सोचना बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है, डिपेंड है। लेकिन वही बात की जाए आखिरकार अक्षय की, तो अक्षय प्राची को लगातार फोर्स करता हुआ नज़र आ रहा है कि प्राची कुछ भी करो, खुशी की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इधर अब रिया समझाती हुई नज़र आने वाली है रणवीर को, क्योंकि रिया इसीलिए समझाएगी कि रणवीर खुशी तो फिर भी तुम्हारे पास है, लेकिन हो सके तो जल्द से जल्द शादी के बंधन में हम बंध जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आप लोग जानते ही हैं इस समय कितनी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है इस समय प्राची, क्योंकि दोस्तों प्राची की लाइमलाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, दिलचस्प रही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू।